दोस्तों तो हमारे देश में एक प्रचलन है कि चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है एक ऐसी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे जिसमें आप चमत्कार के बारे में जान पाओगे हम चमत्कार को स्वीकार करते हैं क्योंकि हमें यह आसान लगता है सभी को आसान रास्ता चाहिए सफलता का संबंध चमत्कार से नहीं परिश्रम से है धर्म पालन बुरा लगता है क्योंकि उसमें आत्म सुधार की जरूरत होती है हम कड़वा सच स्वीकार नहीं करना चाहते इसलिए चमत्कार को खोजते रहते हैं कभी निर्मल बाबा के यहाँ कभी राम रहीम के यहाँ कभी राधे माँ के यहाँ तो कभी रामपाल के यहाँ चमत्कार का आरंभ होता है विचार ना करने से हम विचार और परिश्रम के स्थान पर ताबीज और आशीर्वाद को महत्व देने लग जाते हैं समझिए हम चमत्कार के पक्ष में खड़े हो जाते हैं सर्दी के दिन थे एक रात एक आदमी ने पंसारी की दुकान से शक्कर की दो बोरी चुरा ली चौकीदार ने शोर मचाया कुछ आदमी पीछे भागे चोर ने पकड़े जाने के डर से सोचा क्यों ना बोरी कुएं में फेंक दूँ एक तो यह है जैसे तैसे रात के अंधेरे में पास वाले कुएं में फेंक दी लेकिन जब दूसरी बोरी कुएं में डालने लगा तो अंधेरे और किनारे की फिसलन के कारण खुद भी बोरी के साथ कुएं में गिर गया रात भर कुएं में फंसा रहा सुबह शोर सुनकर लोग इकट्ठे हुए कुएं में रस्सियाँ डाली गई उस आदमी को बाहर निकाल लिया गया परंतु सर्दी के कारण रात भर पानी में रहने से वह कुछ घंटों के बाद मर गया मरने के बाद दफना दिया गया दूसरे दिन जब लोगों ने इस्तेमाल के लिए कुएँ से पानी निकाला तो वह वह मीठा था नज़दीक की मस्जिद के मौलवी साहब ने इसे चमत्कार बताया उस आदमी को पीर घोषित किया उसकी कब्र को आलिशान दरगाह बना दिया गया हजारों हिंदू हनुमान जी को छोड़कर दरगाह पर जाने लगे उनमें वह पंसारी भी था जिसकी दुकान से चोरी हुई थी पीर के चमत्कारों की कहानियाँ चारों तरफ फैल गई हर साल उस दरगाह पर उर्स मनाया जाता है करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है समझदार समझ लें अंधविश्वास और चमत्कार में क्या संबंध होता है डॉक्टर विवेक आर्य जी द्वारा हमें ये कहानी ये लेख प्राप्त हुआ था धन्यवाद करते हैं जी हम आपका दोस्तों तो अगली वीडियो में फिर किसी ऐसे ही मनोरंजक शिक्षाप्रद कहानी पर बात करेंगे तब तक जय हिंद जय जे भारत